सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट, आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम आनंद मार्ग। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के साथ, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, यानी कि अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया उनके चरणों में, आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी, जिनके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का क्या उद्देश्य था इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अवतरित होने का। बहुत से ऐसे सिद्धांत दिए, बहुत से ऐसी सेवाएं दी जिसके माध्यम से समाज का कल्याण हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, या लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छे स्तर पर होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज दी और आगे भी देते रहेंगे। यही उद्देश्य है आनंद मार्ग संस्था का भी। कल हमने, यानी कि पहले हमने बात की थी प्राउड को लेकर। हमारे पिछले जितने भी एपिसोड्स रहे उनमें हमने बात की प्राउड को लेकर, ऐसे बहुत से सिद्धांतों के बारे में जाना जो हमारे समाज के कल्याण में आज भी कार्यरत हैं। आज हम बात करेंगे चक्र नेमी को लेकर। क्या है ये, कैसा सिद्धांत है, कैसे इसके माध्यम से हमारे देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दूर होती हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। जितने भी सिद्धांत हैं उनको हम समझ रहे हैं, पहले भी अपने पिछले कार्यक्रम में हमने प्राउड को लेकर भी समझा। कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हमारे समय पे, आने वाले समय पे मिलने वाली है आपके माध्यम से, वो भी हमने जानी। चक्र नेमी ये भी एक सिद्धांत है या क्या है, इसको विशेषता से और विशेष जो भी रूप है इनके विस्तार से समझना चाहेंगे। गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी जब से इस धरा पर 1921 में आए और लोगों को धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहे जी, तो उन्होंने अपना मिशन जो आत्मोक्षार्थन जगत हिताय दिया, 1939 से लेकर 1990 तक इन दोनों आत्मोक्षार्थन और जगत हिताय जो दो पक्ष हैं दोनों को ही पुष्ट करते गए जी। आत्मोक्षार्थन के लिए उन्होंने तरह तरह की साधनाएं और साधनाओं में के द्वारा हम परम पद परम परमात्मा की कैसे प्राप्ति इस जीवन में करने के लिए अधिक से अधिक तेज रफ्तार अपनी करें जी। उसके लिए रास्ता बताते रहे, गाइड करते रहे। और दूसरा जगत हिताय के लिए भी समय के अनुकूल और समय पर जो उचित था वो देते गए। उसी में एक चक्र नेम भी प्रोग्राम है जी, क्योंकि उनकी दृष्टि है एक मानव समाज और एक विश्व व्यवस्था, इसी को उन्होंने महाविश्व कहा। इसी क्रम में जो आज इस चीज से सभी उसके भोगी हैं जी, कि बड़े शहरों का विकास होते जा रहा है, बड़े शहर बढ़ते जा रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले जिन शहरों जहां नई कॉलोनी जात बढ़ गई वहां जाने में आदमी को सोचना पड़ता था जी, वहां तक शहर पहुंच गया, उससे आगे और विस्तार हो गया। दिल्ली पहले थी, उसके बाद नई दिल्ली बनी जी, नई दिल्ली के बाद अब NCR बन गया, दिल्ली का दायरा और बढ़ गया। तो हम धीरे धीरे गांवों को इनक्रोच करते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं और गांवों की आबादी का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है जी। अनपढ़ आदमी तो रोटी की खोज में जाता है तो शहर की तरफ जाता है, उसको रोजी रोटी मिल जाती है बिल्कुल। रोज बंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बड़े शहरों में गांवों के आदमी मजदूरी की खोज में आते हैं और अच्छी शिक्षा के लिए भी गांवों के इलाकों से लड़के लड़कियां पढ़ करके शहरों की तरफ भाग जाते हैं।
इससे हो गया, ये खराब नहीं है, पढ़ने के लिए शहर आ रहे हैं, आना चाहिए, बिल्कुल ये ठीक है। पहले यहाँ से आदमी इंग्लैंड जाता था पढ़ने के लिए, अब दिल्ली आता है, बम्बई आता है, कलकत्ता जाता है, ये खराब नहीं है। लेकिन एक खराबी ये है कि शहरों का जो अंधाधुंध जो आबादी बढ़ती जा रही है, वहाँ समस्याएं शहर पैदा कर रहे हैं। वो समस्याएं क्या है? गंदगी, पोल्यूशन, जी क्राइम, कंजेशन, ये सब समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। इसलिए पानी की कमी होती जा रही है शहरों में। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ने एक प्रोग्राम दिया चक्र नेम का, कि आखिर जी जो आबादी बढ़ती जा रही है उसका समाधान क्या है। तो समाधान ये नहीं है कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, न्यूयॉर्क और टोक्यो का विस्तार हो, बल्कि गांवों का विकास करके वो सुविधाएं शहरों वाली गांवों में दे दो। बिल्कुल अगर गांवों में जी हम सड़कें दे दें, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, पावर सप्लाई ठीक हो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिसेंट्रलाइज हो जाए, जी तो आदमी शहर में क्यों भागेगा? फिर बहुत हायर और टेक्निकल और स्पेशलाइज एजुकेशन के लिए आदमी जाएगा। बिल्कुल लेकिन इतना गांव का पलायन नहीं होगा, शहरों की समस्या इतनी बढ़ेगी नहीं। शहरों में झुग्गियां हटती हैं लेकिन फिर झुग्गी आ जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम दिया जी। और वो बहुत सफल हो सकता है अगर लोग इसको समझ करके इसको अपनाएं। तो चक्र नेम प्रोग्राम है, उसके लिए गुरुदेव ने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम दिया कि 5 एकड़ कम से कम की जमीन में हम उसका एक्सपेरिमेंट करें और वो एक उसको सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमिक यूनिट बनाएं। सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या है? कि वहाँ रहने वाले आदमी को जमीन जी, खाना और जो जीने के साधन है सब उसको मुहैया करें, और उसके नज़दीक आसपास पड़ोस में कम्युनिटी बसें। एक कम्युनिटी हो गई, उसके पास अल्टरनेटिव एनर्जी भी हो गई, हम सोलर एनर्जी को हार्नेस करके पूरी यूनिट को एनर्जी दे सकते हैं, और उसमें जो वैलेडियम बैटरी आज जो रिसर्च करके आनंद मार्ग की ओर से निकला, अगर इसका प्रचार हो जाए, व्यवहार में आ जाए, इसकी मार्केटिंग होने लगे, तो हम पूरे उस यूनिट को सेल्फ सफिशियंट एनर्जी में कर देंगे, बल्कि सरप्लस कर सकते हैं जी। और वहाँ एक कम्युनिटी बनाकर आसपास एक हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हम एक साथ जीना कैसे, एक नए सिरे से शुरू किया, साथ साथ मेडिटेट करेंगे, साथ साथ हम वर्क करेंगे, और उसके लिए 2 प्रकार का कोऑपरेटिव हम स्टार्ट करेंगे। जब हम कोऑपरेटिव पर बोलेंगे तो उस पर हम विस्तार रूप से बनेंगे जी। तो आवश्यकता है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव और कंज्यूमर कोऑपरेटिव के द्वारा हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसमें निकाल सकते हैं। तो हमने 5 एकड़ की एक हमने प्लान किया, उसके आसपास में लोगों को बसाया, एक कम्युनिटी सेंटर हमने वहाँ शुरू किया। इसमें सरकार के भी सहयोग की आवश्यकता होगी, बाहर से हो सकता है, रोड, पानी, सैनिटेशन, एजुकेशन, इसमें हमको लेना पड़े। तो इसमें गुरुदेव का प्रोग्राम है कि जहाँ एक मास्टर यूनिट, एक चक्र नेम का एरिया एक्सपेरिमेंट करके लोगों ने अपनाया, उसको जहाँ एक का एरिया खत्म हो जाता है, दूसरे का एरिया शुरू हो जाएगा, दूसरी चक्र नेम का। इस प्रकार से माइक्रो लेवल पर हमने उसकी शुरुआत की और उसका माइक्रो लेवल पर विस्तार पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड को हम एक ग्लोबल विलेज के रूप में बदल देंगे। तो कोई भी इलाका वर्ल्ड का ऐसा नहीं रहेगा जो विकसित नहीं हुआ। तो पूरे वर्ल्ड का विकास हो गया और ये जो कंजेशन, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है जी, जो गंदगी है, इससे भी आदमी को छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि किसी चीज़ को छोटे तौर पर करने में, बड़े तौर पर करने में ये सुविधा और असुविधा होती है। बिल्कुल। तो चक्र नेम प्रोग्राम है प्राउड का अप्लाइड साइड जी, जिसमें हम वर्ल्ड की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। जो गोरबाचोव का प्रोस्तरोइका था, वहाँ रशा में तो नहीं हो पाया, लेकिन गुरुदेव ने इसको पूरे वर्ल्ड के लिए ये चक्र नेम प्रोग्राम दे करके वर्ल्ड को स्ट्रक्चरिंग का एक प्लान दे। जी आचार्य जी, और भी बहुत से विस्तार से समझना चाहेंगे बातों को, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है अंतराल का, तो बने रहे हमारे साथ। अंत मार्ग
ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725। Our website www.amps.net.in। Camp Office Madhu Manjusha, Hehal, Ratu Road, Ranchi 834005, Jharkhand। Phone numbers 06512511387, 09431103725। Delhi office, D41 South Extension, Part 1, New Delhi, 110049. Phone numbers 011-2464-3344, 098-1892-7367, 099-9898-7923. अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम आनंद मार्ग। हमारी चर्चा बनी हुई है चक्र नेमी को लेकर, क्या है ये, क्या था और कैसे इसके कार्य चल रहे हैं। हम इसको समझ रहे हैं, विशेषताएं भी जान रहे हैं। एक इसका उद्देश्य है कि ग्लोबल डेवलपमेंट हो सके, यानी कि गांव के जितने भी क्षेत्र हैं वहां से लेकर शुरुआत की जा सके और हमारे जितने भी सिटीज हैं, महानगर हैं, नगर हैं, वहां तक पहुंचा जा सके, यानी कि विकास को हम हर रूप से सर्वांगीण विकास कर सके, यही उद्देश्य है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी, जिनके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का क्या उद्देश्य है, क्यों ये सिद्धांत इस जीवन में लाए हम सभी के कल्याण के लिए। अब ये जानना चाहेंगे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत आता है तो उसका उद्देश्य होता है सभी रूप से हर क्षेत्र में कल्याण हो सके, लेकिन एक मानव प्रवृत्ति होती है जब भी वो किसी सिद्धांत को अपनाना चाहते हैं तो वे जानना चाहते हैं कि हमें इस चीज से क्या मिलेगा। अगर हम ये जानना चाहें कि कोई इंसान इसका मेंबर बनना चाहता है चक्र नेमी का, तो वो क्या क्या सीखेंगे, उनको क्या क्या सीखने को मिलेगा और आप कैसे सिखलाएंगे उनको कि किस तरह से एक ग्लोबल डेवलपमेंट की जा सकती है। जी, इस प्रोग्राम में एक तो हम उनको सिखाएंगे रहना। जी, आदमी अभी भी रहन सहन नहीं सीखा है, गांवों में खासकर। गांवों का रहन सहन एक दूसरे प्रकार का है, लेकिन उनको रहन सहन कौन सिखलाएगा। इसलिए चक्र नेम प्रोग्राम है, ग्लोबल विलेज बनाने के पीछे यही है कि एक मॉडल विलेज बनाकर
हम उन लोगों को एजुकेट करें कि हम कैसे रहें, कैसे खेती करें, और खेती का जो उत्पाद है उसको किसान क्या करता है। आज खेती किया, आलू पैदा किया जी। और खेत से उखाड़ करके ट्रक में लोड करके सब्जी मंडी में जाकर के बड़े आढ़तियों को बेच के आ गया, यही करता है। गेहूं पैदा किया और गेहूं FCI को बेच दिया या बड़े व्यापारियों को बेच दिया, मंडी में जाकर के गेहूं बेच आया क्योंकि पैसे की आवश्यकता उसको है किसान को। गन्ना बेचा, गन्ना पैदा किया, शुगर मिल्स को बेच दिया या खांडसारी बना लिया, थोड़ा गुड़ बना लिया जी। तो इस खेती में जो पैदावार पर जो खर्च करता है किसान जी, आज लागत भी नहीं आती वापस में, क्योंकि भारत की खेती आकाश के भरोसे की खेती मानी जाती है। इसलिए सुना जाता है, अखबारों में पढ़ा जाता है, देखा भी जाता है जी, कि किसान कर्ज के बोझ से लद करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जो अनपढ़ किसान है आज गेहूं और गन्ने की खेती करता है, कभी फायदा भी होगा कभी नुकसान भी हो गया, बिल्कुल, लेकिन सब मिला जुला करके उसकी अवस्था वही बनी रह जाती है और लैंड होल्डिंग धीरे धीरे घटती जा रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। इसलिए गुरुदेव को ये चिंता है कि कम जमीन में अधिक से अधिक पैदावार कैसे लें, यही लक्ष्य नहीं है जी। जमीन की उर्वरा शक्ति को बचाए रखते हुए। तो आज क्या है, आदमी कम समय में पैदावार लेना चाहता है, जमीन में अधिक से अधिक पैदावार लेना चाहता है, लेकिन दृष्टि उसकी ऐसी नहीं है कि जमीन की उर्वरा शक्ति हम कैसे बचाए रखें। इसलिए फसल ज्यादा लेने के लिए, पैदावार ज्यादा लेने के लिए यूरिया का प्रयोग, और अगर कीड़े हो गए तो उसके लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग जी। ये दोनों की वजह से ये पाया गया, अखबारों में रिपोर्ट है, केमिकल रिपोर्ट है, कि मां के दूध में यूरिया आ रहा, गेमेक्सिन आ रहे हैं, क्योंकि सब्जी खरीदने आप बाजार में जाते हैं तो मटमैली फूल गोभी नहीं खरीदते हैं आप, सफेद फूल गोभी, आपको पता नहीं उस पर स्प्रे है जी। तो जाने बगैर आदमी बाहर की खूबसूरती पर जाता है। तो हम उन चक्र नेम में ये सिखाते हैं किसानों को कि तुम पेस्टिसाइड का मत प्रयोग करो, क्योंकि पेस्टिसाइड का प्रयोग करने पर जमीन का आप देखिए कहीं भी केचुआ नहीं। केचुए का काम था कि खेतों में जो पत्तियां और कोई चीज रह गई उसको खाकर और उसको खाद में कन्वर्ट कर देना, और जमीन में टनल बना देना ताकि ऑक्सीजन पास होते रहे जी। ये काम था, हमने पेस्टिसाइड का प्रयोग करके और केचुए को खत्म कर दिया और आज रो रहे हैं। दूसरा, यूरिया का अधिक प्रयोग करके मिट्टी को हमने सीमेंट जैसा बना दिया और उसी से हमको खेती लेनी है। इसलिए गुरुदेव इसके सख्त खिलाफ हैं जी, यूरिया का प्रयोग और पेस्टिसाइड का प्रयोग। अब आप कहेंगे कि अगर कीड़े लगते हैं तो क्या करेंगे, कि आनंद मूर्ति जी हमारे खेत की रक्षा करेंगे, तो बिल्कुल रक्षा करेंगे जी। पुराने जमाने में खेती के तौर तरीके थे कुछ इसी प्रकार के, तो उन्होंने गुरुदेव ने ऐसा दिया है कि इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। पुराने जमाने में आदमी एक खेती करके दूसरी खेती लेता था कि एक जमीन को, एक फसल जमीन से ज्यादा उर्वरा शक्ति खींचता था और दूसरा उर्वरा शक्ति देता था, इस प्रकार की खेती पहले होती थी। तो गुरुदेव ने इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन दिया है, किस फसल के बाद कौन सी खेती करें जी। तीसरी बात है कि भारत 6 क्रॉप जोन्स में बांटा हुआ है, तो हमारे जो चक्र नेम जिस इलाके में होंगे वहां के किसान को उसी प्रकार के उस इलाके में जैसी खेती करनी चाहिए, वहां के इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए वैसे ही हम सिखाते हैं जी। तो हम केमिकल फर्टिलाइजर के बगैर उर्वरा शक्ति कैसे बनाएंगे ये किसानों को सिखाते हैं, तो किसान को फायदा हुआ बिल्कुल। दूसरा है, हम पेस्टिसाइड नहीं प्रयोग करके क्या करेंगे कि धनिया बीच में लगाना, गेंदे का फूल लगाना, बीच में तुलसी देना, इसका एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कई जगह पर किया है,
खास करके हम लोगों ने पोलैंड में एक ऐसा प्रयोग किया है जी, कि जहाँ पूरा यूरोप आता है सीखने के लिए, किसी देश में यूरोपियन कंट्रीज में कोई टूरिस्ट जाए तो वहाँ पोलैंड हमारे मास्टर ईटपुर चक्र नेम को लोग देखने आता है कि हम कैसा एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो वहाँ इस प्रयोग से धनिया, तुलसी और गेंदे के प्रयोग से पेस्टिसाइड का ये काम किया है, वहाँ कीड़े नहीं लगते। ठीक। दूसरा, किसानों को हमको ये भी सिखाना है, गांव में सिखाना है कि आज जल का अभाव हो गया जी, क्योंकि बादल तो आते हैं लेकिन बरस के नहीं जाते, इसलिए जो पेड़ रेन क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं उनको हम लगाना सिखाते हैं गांव में। तो इसका प्रयोग हमने किया, हमारी शिमोगा कर्नाटक में एक यूनिट है जी जी, करीब 30 एकड़ का, 28 एकड़ का वो फार्म है, उसमें हमने 6 एकड़ में जी जंगल लगाया। पूरे इलाके में सूखा है लेकिन वहां उस जगह पर वर्षा होती है, इसको देख करके किसान वहां सीख रहे हैं। तो जो पेड़ जी रेन क्लाउड को अटैक करके और वर्षा कराएंगे उनको लगाना। आज क्या हो रहा है कि बोनजाई लगा रहे हैं और छोटे छोटे पेड़ लगा रहे हैं, तो इससे सूखापन और बढ़ते जा रहा है। तो ये सब हम इकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी अपने इन चक्र नेम में करके लोगों को सिखा रहे हैं कि धरती जो डेड प्लैनेट होते जा रहा है इसको हम कैसे बचाएं जी, क्योंकि लोगों को जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, सिखाएंगे नहीं, मेन है एजुकेशन, बिल्कुल, यानी कि तभी उनको पता चल सकेगा कि कैसे हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको सेव कर सकते हैं और जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर फील्ड है उसकी उर्वरा शक्ति को बरकरार रख सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषि की जा सके। लेकिन मात्र इतना ही उद्देश्य नहीं है, और भी बहुत सी बातें जानेंगे लेकिन आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहेंगे क्योंकि समय का अभाव है। आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते यही कहेंगे कि आप सभी जुड़े आनंद मार्ग से ताकि समझ सकें कि कैसे आपको भी अपने अधिकारों को समझते हुए अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के बाद उसको समाज कल्याण में लगाना है, यानी कि आपको खुद भी योगदान देना है अपना, अपने कार्य द्वारा। आप चाहते हैं कि आनंद मार्ग से जुड़ सके जितने भी युवा वर्ग है वो जागृत होते हैं, वो समझना चाहते हैं कि आनंद मार्ग ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, जितनी भी सेवाएं हैं उनमें अपना योगदान भी दे सके, तो आनंद मार्ग के साथ अवश्य जुड़े। तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।